Assalamu alaikum and very welcome back to this channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इन डिटेल डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 टाइप्स को मैं बताऊंगा और विद एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं. सो लेट्स बिगन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में भी, कि जो हम अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, अपने साइंस को यूज़ करते हुए, डेफ और डम पर्सन के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितने वाइड एरिया को कवर करती है, तो सबसे पहली जो हमारे पास और इंपॉर्टेंट टाइप है वो है किनेसिक्स. उसके बाद है हैप्टिक आर टच, फिर हमारे पास आ जाती है प्रॉक्सिमिक्स, फिर आती है हमारे पास क्रोनोमिक्स, फिर आती है पैरा लैंग्वेज, फिर हमारे पास आती है साइन लैंग्वेज. ये इंपॉर्टेंट टर्म्स को, इन 6 टाइप्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये बॉडी लैंग्वेज है. किनेसिक्स की अगर हम पहले बात कर लेते हैं, किनेसिक्स के अंदर हमारे पास आता है बॉडी लैंग्वेज. इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी के साथ जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, किनेसिक्स बोलेंगे. ठीक है, इसमें 6 टाइप्स है हमारे, 7 टाइप्स है हमारे पास. पोस्चर, दिस इज द पोस्चर. आपको मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये पोस्चर है मेरा. लाइक मैं किसी एक शेप बना के खड़ा हूँ, कोई ऐसी बात कम्युनिकेट हो रही है मेरे पे, उसको हम कहते हैं पोस्चर. आप एक स्टैंड बाय पे खड़े हैं, किसी तरह से वो फील हो रहा है, उसको पोस्चर. जेस्चर, फिर उसके बाद ये जेस्चर है आपका, आप थंब अप करो ये जेस्चर के साथ. देन फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन आपको मेरे बता रहे होंगे कि क्या सैड है, हैप्पी है, कम्युनिकेशन किस तरह से है. आई कॉन्टैक्ट, मेरा आई कॉन्टैक्ट आपके साथ बता रहा होगा, किसी और के साथ आई कॉन्टैक्ट बता रहा होगा. बॉडीली कॉन्टैक्ट, आपका बॉडीली कॉन्टैक्ट किस तरह से, आप किसी को टच कर रहे हैं, उसके साथ होके बैठ रहे हैं, किस तरह उसको अवॉइड कर रहे हैं, किस तरह उसको उसके साथ हो रहे हैं. अपेयरेंस, अपेयरेंस मैंने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, ठीक है, ये आपकी अपेयरेंस होगी, आप किस तरह से एंटर हो रहे हैं. साइलेंस, साइलेंस भी एक कम्युनिकेशन की टाइप है. ये जो सारी चीज़ें हैं इसको मैं आज आपको पोस्चर, जेस्चर, इन सबको भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ. पहले हम इन टाइप्स को कवर करेंगे, फिर हम इसको, इन सारे पॉइंट्स को इन डिटेल समझेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, इसकी विद एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ. सो डोंट वरी, कहीं नहीं जाना आपने, ठीक है, ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है. हैप्टिक आर टच, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन इज बाय टच. हैप्टिक भी कह सकते हैं उसको, टच भी कह सकते हैं. जो कम्युनिकेशन हम टच करने से करते हैं, किसी को छू कर करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन बाय हैप्टिक आर टच कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल हैंडशेक, आप किसी के साथ हैंडशेक करते हो, वो किस लिए करते हो, टू बिल्ड द ट्रस्ट, आप उसका ट्रस्ट बनाने के लिए. या समटाइम यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप उसके साथ हैंडशेक करते हो, उसको फर्मली पकड़ते हो, उसको किस तरह से आप ग्रिप करते हो. ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये हैप्टिक आर टच में आएंगी. इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ना, आपने उसको हैंडशेक किया, आपने मुंह से कुछ नहीं बोला बेशक, लेकिन आपने क्या किया, हैंडशेक किया, उससे फील होगा, उससे कम्युनिकेट होगी बात कि आप अपना ट्रस्ट बना रहे हो, आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो. दैट इज टाइप ऑफ हैप्टिक आर टच हम इसको बोलेंगे, ठीक है. दिस इज द, एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रॉक्सिमिक्स. व्हाट इज प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ फिजिकल स्पेस. जो फिजिकल स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्टडी को क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमिक्स की स्टडी कहते हैं. स्पेस अब क्या होती है, जिस तरह से लोग स्पेस को यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, उसको हम क्या कहेंगे कि इसको हम प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक दायरा मैंने बनाया है, दायरा तो टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसमें मैं आपको कम्युनिकेट क्या कर रहा हूँ, स्टडी ऑफ फिजिकल स्पेस कम्युनिकेट क्या कह रही है, ठीक है. तो कम्युनिकेट क्या कह रही है, सबसे पहले ये जो छोटा जो हमने इसको दायरा लगाया, इसको कहते हैं इंटीमेट. इंटीमेट क्या होता है, इंटीमेट स्पेस. देर आर द 4 टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिक्स या फिर स्पेसिस की, मैंने उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया. नंबर 1 डिवाइड किया इंटीमेट. इंटीमेट कहते हैं, इसको कहते हैं 18 इंचज एक्सटेंड. ये इंटीमेट जो स्पेस है ये 18 इंचज तक एक्सटेंडेड होगी. ये कौन लोग यूज करेंगे इस स्पेस को, ये नॉन वर्बल की एक टाइप बता रहा हूँ. ये चिल्ड्रन और उसके जो पेरेंट्स हैं आपस में यूज करते हैं, एक दूसरे को किसी भी करते हैं, बिल्कुल क्लोज होकर बैठते हैं, उनको उठा भी लेते हैं, ठीक है. तो ये कौन सी स्पेस होगी, ये 18 इंचज तक होगी, इसको कहेंगे इंटीमेट स्पेस. इसमें कौन लोग आएंगे, जो बिल्कुल क्लोज हैं, लाइक पेरेंट एंड चिल्ड्रन की मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी. उसके बाद अच्छा, इससे क्या कम्युनिकेट हो रहा है, देखो जो बहुत करीब है, तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप आकर आपको कम्युनिकेट हो रहा है कि ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप है इनका, ठीक है, तो इंटीमेट स्पेस हो गई. फिर पर्सनल स्पेस, फिर है पर्सनल स्पेस. पर्सनल स्पेस आपकी 18 इंचज से 4 फीट तक एक्सटेंडेड होती है, 18 इंचज टू 4 फीट.
एक्सटेंडेड होती है। अब पर्सनल में कौन लोग आएंगे, आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे जिनके आप गले भी मिल लेते हो, ठीक है, आपके दोस्त आ जाते हैं, ठीक है, कुछ रिश्तेदार रिलेशन में आ जाते हैं लोग, ये सारे क्या हैं, पर्सनल स्पेस के अंदर आते हैं। देखें ये छोटा था, उसके बाद ये दायरा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया और इसमें 18 to 4 feet तक पर्सनल स्पेस की जगह बन गई। अब ये कम्युनिकेट कर रहा है कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं, आपस में गले मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक स्पेस हो गई। उसके बाद हमारे पास है सोशल स्पेस। अब इस सोशल स्पेस का क्या मतलब है, सोशल स्पेस के अंदर आपके कॉलीग्स आ जाएंगे, आपके ग्रुप मेंबर्स आ जाएंगे, आपके क्लास फेलोज आ जाएंगे, वो लोग जिनके साथ आप बैठ के मीटिंग करते हो। और इसकी स्पेस कितनी होगी, 4 feet to 12 feet तक, जो एक 4 से लेके 12 feet तक आपस में फासला होगा उसको हम क्या बोलते हैं कि ये सोशल स्पेस है। कौन लोग यूज़ करते हैं इसको, कोलीग्स आपके आ सकते हैं, इसके अंदर आपका बॉस आ सकता है, मीटिंग कर सकते हैं आप, एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस पे बैठे हुए और आपस में मीटिंग करें, ये वो आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आती है पब्लिक, पब्लिक के अंदर जो पब्लिक स्पेस, पब्लिक स्पेस में आपके पास 12 फीट से लेके 30 फीट तक फासला होता है। लाइक यहाँ पे आप बात कर रहे हो और सामने स्पीकर, आप स्पीकर हो और सामने सुनने वाले, जस्ट लाइक इन क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर जो स्पेस यूज़ होती है वो नॉर्मली ये वाली यूज़ होती है पब्लिक स्पेस, जिसमें आप कम्युनिकेट कर रहे होता है, आपका टीचर कम्युनिकेट कर रहा होता है, या आप मोटिवेटर को बुलाते हो, मोटिवेशन लेक्चर चल रहा है, या फिर कोई ऐसी जो ओवरऑल गैदरिंग हो रही होती है बाहर, जो 30 फीट से ज़्यादा होगी या 30 फीट, देखें इस पे मैंने कोई दायरा लगाया, पब्लिक कर दिया, ये ओपन स्पेस होती है जिसका फासला 30 फीट हो सकता है या उससे ज़्यादा का हो सकता है, ये वो वाली स्पेस होती है। इससे फील होता है कि कोई एक लार्ज गैदरिंग है, कोई एक बड़ा है, ये कम्युनिकेशन दे रहा है हमें, एक एक हमारे पास वे ऑफ कम्युनिकेशन है अंडरस्टैंड करने का, हम स्पेस को यूज़ करते हुए भी कम्युनिकेट करें। देखें प्रॉक्सिमिक्स को मैंने आपको एक डिटेल के साथ बता दिया। नेक्स्ट टाइप है आपके पास क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ टाइम लैंग्वेज, द रोल ऑफ टाइम इन द कम्युनिकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोमिक्स बोलते हैं। क्रोनोमिक्स मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आप एक पंक्चुअल हैं, एक टाइम पे पहुंचे हैं एक मीटिंग के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक मीटिंग के अंदर टाइम पे पहुंचे, या 4 बजे मीटिंग स्टार्ट होना थी, आप पूरे 4 बजे पहुंच गए, एक फेवरेबल जेस्चर जाएगा, कुछ भी कम्युनिकेट किया, 4 बजे पूरे टाइम पे पहुंच गए हो, फिर भी आपकी क्या हुआ, एक फेवरेबल जेस्चर जाएगा और कम्युनिकेशन हो जाएगी, बीइंग ऑन टाइम, टाइम पे आयो तो इसका मतलब फेवरेबल कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है लेटनेस, अगर आप उस मीटिंग में लेट पहुंचे, बाद में आए, तो इसका क्या पर्पस हुआ, क्या कम्युनिकेशन होगी कि आप अनफेवरेबल जेस्चर दे रहे हो उसको, आप अनफेवरेबल जेस्चर दे रहे हो, अनफेवरेबल कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, ये बंदा जो है ये ये इसको लेट हो रहा है, ये अवॉइड कर रहा होगा समथिंग या कुछ भी, सो ऑन, ठीक है, वो सामने वाला परसीव ये करेगा, कुछ भी नहीं कहा उसके बावजूद भी कम्युनिकेशन हो गई, तो ये नॉन वर्बल है साइंस को, स्पेसिस को यूज करते हुए। उसके बाद है कंटिन्यूस स्लोअर, आप कंटिन्यू स्लोअर हैं, आप हर दफ़ा मीटिंग में लेट हो रहे हो, तो उससे क्या इम्पैक्ट जाएगा कि पर्सन या तो अवॉइड कर रहा है या उस चीज़ को करीब ही नहीं आना चाहता उसके, या इसको बार बार उस चीज़ से अवॉइड कर रहा है। तो हमने क्या किया, इससे अंडरस्टैंड किया कि जो टाइम लैंग्वेज है या रोल ऑफ टाइम है, ये भी कम्युनिकेट करता है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये भी एक, ठीक है। तो अब मैं इसकी 2 टाइप्स बताता हूँ आपको क्रोनोमिक्स की, एक होती है मोनोक्रोनोमिक्स और एक होती है पॉलीक्रोनोमिक्स। मोनोक्रोनोमिक कल्चर ऐसा कल्चर होता है जिसमें आप एक एक्टिविटी को एक टाइम पे परफॉर्म करते हो। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, तो इसका मतलब आप सिर्फ गाड़ी ही चला रहे हो, आप उसके साथ और कोई काम नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड द मोनोक्रोनोमिक कल्चर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज द पॉलीक्रोनोमिक कल्चर। पॉलीक्रोनोमिक कल्चर इज द कल्चर वेयर सेवरल थिंग्स परफॉर्म एट वन टाइम, आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या बहुत सारे काम कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं पॉलीक्रोनोमिक्स। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाते चलाते आपने चाय भी साथ पीना शुरू कर दी, जूस पीना शुरू कर दिया, तो आपने म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया, चीज़ों को इधर उधर कुछ करना शुरू कर दिया, तो दीज आर द थिंग्स, आपने फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया, दीज आर द थिंग्स, आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें पर जो है वो यूज़ कर रहे हो, इस कल्चर को क्या बोलेंगे पॉलीक्रोनोमिक कल्चर। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि क्रोनोमिक्स के अंदर आपने टाइम लैंग्वेज को पढ़ा कि ये 2 चीज़ें जो हैं ये कम्युनिकेट कर रही हैं आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, प्रॉक्सिमिक्स भी, हेक्टिक आर टच भी। नेक्स्ट आपके पास आती है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जस्ट लाइक इस तरह की लैंग्वेज होती है कि जिसमें आप बोलते भी नहीं हो, लेकिन आप बोलते हो लेकिन वो वाली कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन आपने उसको किस अंदाज से बोला, आपकी पिच आएगी, ठीक है, आपका उसमें साउंड आएगा, वॉल्यूम ऑफ साउंड आएगा। पैरा लैंग्वेज को और किनेसिक्स को हम जो है वो अभी नेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं, और साइन लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हैं। आप इसको नोट कर लें, फिर हम जल्दी से उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं इन डिटेल में किनेसिक्स की। किनेसिक्स किसको कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज को। बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट तरह से कम्युनिकेट करती है। तो अब मैं इन डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ कि पोस्चर, सबसे पहले हमारे पास है पोस्चर। व्हाट इज पोस्चर? पोस्चर कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर को, क्या आपका फिजिकल स्ट्रक्चर लगता कैसा है, आप किस तरह के दिखते हो, आप किस तरह के चलते हो, आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी मूवमेंट होती है, ये सब कुछ बता रही होती है अबाउट आपकी कम्युनिकेशन को कन्वे कर रही होती है। बॉडी मूवमेंट कम्युनिकेट अ वैरायटी ऑफ मैसेजेस। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से आप चलते हैं, हाउ यू वॉक, सिट एंड होल्ड योर हैंड इंडिकेट योर मूड। आप किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से आपने अपने हेड को पकड़ा हुआ है और किस तरह से आप चल रहे हैं, ये सब कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है। बेसिकली आपके मूड के अबाउट बता रहा होता है कि आपका मूड फ्रेश है, बोर फील कर रहे हो, एंग्जाइटीड हो, एंगर है, किस तरह की है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस आर्म्स, ये इस तरह से क्रॉस आर्म्स है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कल्चर के अंदर कि ये डिफेंसिव है, मैं डिफेंसिव मूड के अंदर हूँ। आई कॉन्टैक्ट अवॉइडिंग, अगर मैं एक आई कॉन्टैक्ट अवॉइड कर रहा हूँ, इट्स मीन या इट्स इंडिकेट दैट कि ये पर्सन शाय पर्सन है, ठीक है। तो आपकी बॉडी मूवमेंट जो है, पोस्चर जो है, ये इंडिकेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेस्चर्स। व्हाट इज जेस्चर्स? लेट्स योर बॉडी टॉक। आप अपने जेस्चर्स के साथ, फॉर एग्जांपल थंब अप, मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, थंब अप का मतलब किसी कल्चर के अंदर ये हो सकता है कि वेरी गुड, अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा आपने काम किया है। सो फॉर एग्जांपल शोल्डर श्रग, आई डोंट नो, ठीक है, ये देखें शोल्डर श्रग आप करते हैं, इसका मतलब कि आपको नहीं पता। पफ्ड चेस्ट, आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है, आप सीना चौड़ा हो गया आपका, आप बड़े खुश हैं, ठीक है, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो पफ्ड चेस्ट है, आप कोई कॉन्टेस्ट जीत गए तो पफ्ड चेस्ट है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपने जो है वो कोई काम सर अंजाम दे लिया है। फिंगर क्रॉसिंग, आपने फिंगर्स को क्रॉस कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई डर है या किसी भी तरह की। देखिए ये डिफरेंट साइन जो है, ये हर कल्चर के अंदर डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। हम उसमें इसमें नहीं जा रहे कि फिंगर क्रॉसिंग का इस कल्चर में क्या मतलब है, उस कल्चर में क्या मतलब है, लेकिन हम अंडरस्टैंड करें कि ये सारे साइंस जो हैं, ये कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद थंब अप, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद अभी ये देखें, पोस्चर की समझ आ गई आपको, जेस्चर की समझ आ गई, मेरा बॉडीली कॉन्टैक्ट। आप बॉडीली कॉन्टैक्ट किस तरह से करते हो? किसी को हिट कर देना, पुश करना, उसके साथ जुड़ के बैठना, टच करना उसको, ये सारे क्या हैं? ये बॉडीली कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। आप किसी को थपकी दे देते हो, ये भी एक बॉडीली कॉन्टैक्ट है। तो हिटिंग, पुशिंग, ठीक है, उसके बाद ये शेकिंग हैंड्स, ये टचिंग एंड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, ये सारी क्या है? वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज क्या काम कर रही हैं? आपकी बॉडी मूवमेंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ा रही हैं, ठीक है। आप किसी का जो है वो हैंड जो है वो बार बार शेक करते हो, आप उसको बताते हो, गर्म जोशी के साथ उसको मिलते हो, उसको फील आता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंस दे रहा है मुझे, ये मेरे साथ जो अटैच होने की कोशिश कर रहा है, कि मुझे ट्रस्ट दिला रहा है। तो ये सारी बॉडीली कॉन्टैक्ट जो है वो, किसी को हिट कर देना, पुश कर देना, ये सारी कॉन्टैक्ट जो है, ये हमें किसकी तरफ लेके जाते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। अब उसके बाद है अपेयरेंस, आप बज़ाहर दिखते कैसे हैं। अपेयरेंस आपकी एक पर्सनल अपेयरेंस होती है और एक होती है सराउंडिंग्स की अपेयरेंस। दो तरह की होती हैं। पर्सनल अपेयरेंस, आपने क्या पहना हुआ है, आप किस तरह के दिख रहे हो, आपने कपड़े किस तरह के, आपका हेयर स्टाइल किस तरह का है, ठीक है, आपका मेकअप किस तरह का है, आपके बाल कैसे बने हुए हैं, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कम्युनिकेट, ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर रही होंगी आपके अबाउट। उसके बाद होती है अपेयरेंस या फिर सराउंडिंग की जो अपेयरेंस होती है। अब सराउंडिंग की अपेयरेंस, आप एक रूम के अंदर बैठे हैं जहाँ पे मीटिंग होने वाली है, वहाँ का एयर कंडीशन, वहाँ की उस रूम की स्पेस कितनी है, चेयर्स किस तरह की हैं, कंफर्टेबिलिटी वहाँ पे कितनी है, कंडीशनिंग लेवल कितना है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो विंडोज़ हैं वो क्या कर रही हैं, उसका साइज़ कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ ये हमारे स्टिमुलस को जाके हिट कर रही होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कम्युनिकेशन पे इफेक्ट कर रही होती हैं अगर वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस हो। तो ये अपेयरेंस भी बज़ाहरी हमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही होती है। फिर उसके बाद है साइलेंस। साइलेंस इसको कहते हैं कि साइलेंस हैज़ देयर ओन लैंग्वेज। इसकी एक ना अपनी लैंग्वेज होती है। साइलेंस को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको क्या एक्सप्लेन करें कि साइलेंस है, तो ये एक एक लैंग्वेज के तौर पे जाना जाता है कि अब खामोशी है या उसकी एक लैंग्वेज है, वो खुद ब खुद ही आपको कम्युनिकेट कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये इसमें आ जाती हैं। फिर अभी यहाँ पे हमने क्या नहीं डिस्कस किया, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये बहुत दफ़ा डिस्कस कर सकें, बहुत ही कॉमन है कि जो चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये आपको सब कुछ बता रहे होते हैं। आप सैड हैं, आपको आप इमोशनली हर्ट हैं, आपको गुस्सा है, आप किस तरह की फीलिंग्स हैं आपकी, ये सारे आपके फेशियल एक्सप्रेशन से शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो हैं वो हमारी कवर हो गई हैं। उसके बाद मैंने आपको एक टाइप जो छोड़ी थी वो थी पैरा लैंग्वेज, मैंने बताया था कुछ थोड़ा सा। पैरा लैंग्वेज क्या है? पैरा लैंग्वेज कहते हैं बेसिकली कि इस तरह की लैंग्वेज जो वर्बल लैंग्वेज होती है बट डायमेंशन आर नॉन वर्बल, ठीक है, वर्बल बट
डायमेंशन आर नॉन वर्बल, जिसके अंदर जो आप बात कर रहे होते हो उसको कंसिडर नहीं किया जाता, किस तरह से बात कर रहे हो, द मैनर्स यू हैव टू से द थिंग्स वट एवर यू वॉन्ट टू से, आप जो बात कहना चाह रहे हो उसको किस तरह से किस वे में कन्वे की है वो इफेक्ट कर रही होती है, उसको क्या बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल रेट, या उसको हम क्या बोलेंगे स्पीड, आप जो बात कर रहे हो वो कितनी स्पीड के साथ कर रहे हो, ठीक है, कितनी स्पीड के साथ आप बात करते हो, ये चीज़ आ जाए। वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका क्या बता रहा होता है, वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा होता है लाउडनेस को और क्वाइटनेस को, आपका लाउड है वॉल्यूम या क्वाइट है, ये भी एक इंडिकेशन, एक साइन है ना कि आप ऊंचा बोल रहे हो बहुत ज़्यादा या आप एक डाउन स्पीड के साथ बोल रहे हो। फिर और कितनी स्पीड के साथ बोल रहे हो, कितना स्लो बोल रहे हो, जिस तरह से आप मुझे परसीव कर रहे हो, मैं तेज़ बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ, इट डिपेंड। फिर पिच आती है, हाईनेस और लोनेस, आपकी पिच में जान कितनी है, वो हाई है या वो लो है, आप गुस्से से बात कर रहे हो, आप स्लो, आप जो है वो नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, आपका बिहेवियर को इंडिकेट कर रहा होगा। क्वाइट या लाउड, बहुत ऊंचा बोलते हो, गुस्सा भी है, आप ऊंचा भी बोल रहे हो, आपकी पिच भी भारी है, तो ये चीज़ें क्या होंगी, बोल तो आप रहे हो लेकिन डायमेंशंस क्या हैं, नॉन वर्बल हैं, ठीक है। तो जो मैंने बात की पैरा लैंग्वेज में कि नॉन वर्बल डायमेंशन, उससे आप फील करते हो वर्ड्स क्या बोल रहे हो, ये नहीं आपका बिहेवियर कैसा, समटाइम आप वर्ड बड़ा अच्छा सिंपली बोलते हो लेकिन हम कहते हैं ना यार इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, ये मैनर्स अच्छे नहीं थे, किस मैनर के साथ आपने बोला है वो डिपेंड करेगा। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं हम मिक्सअप कम्युनिकेशन करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल को मिला के, सो हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। फिर आपके पास आती है साइन लैंग्वेज, जो मैंने आपको पहले बताया वो डेफ और डम के लिए यूज़ करते हैं, विजुअल्स हो गई ऑडियो के साथ या विजुअल्स के साथ, जब आप इशारों के साथ जो बात करते हो उसको आप साइन लैंग्वेज भी बोलते हैं। सो दिस इज़ द लेक्चर, होप्स हो कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको हेल्प मिली होगी। कहीं भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं समझ आया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको और किस तरह के लेक्चर्स की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें।